गाइस पतंग उड़ाना किसे अच्छा नहीं लगता, और ये जो हमारे पास में काफी बड़े साइज की पतंग, लेकिन भाई आज हम लोग नॉर्मल पतंग नहीं उड़ा रहे। आज हम लोग क्या करेंगे, पतंग के पीछे पूंछ बांध देंगे। आप लोग भी शायद बांधते होंगे, लेकिन खास बात यह है कि वो पूंछ इतनी लंबी होगी मुझे भी नहीं पता कितनी लंबी होगी, मतलब जितनी लंबी हो सकती है ना, 100 फीट, 200, 300, जितना होगा ट्राई करते हैं कि कितनी लंबी पूंछ बन सकती है और वो कैसा दिखेगा और पतंग कैसी उड़ेगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस कमाल के आइडिया के लिए एक लाइक जरूर से कर देना यार, भाई जल्दी से दबा दो लाइक का बटन, थोड़ा सा टाइम लगता है, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई। और भाई यहाँ पर हमारे पास में ये जो पतंग है, ये आप लोग देखो काफी बड़े साइज की है, तो इनकी जो पूंछ है वो बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस तरीके के भाई रिबन्स का। देखो यहाँ पर काफी सारे रिबन्स हैं, ये जो है गिफ्ट वाला रिबन है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे गिफ्ट वगैरह रैप होता है ना, ये कुछ इस तरीके का निकलता, पकड़ना इसको, ये काफी बड़ा जो है निकलेगा इसमें से एक रोल में से। देखो और जब पीछे जाना, देखो यार ये बहुत बड़ा रिबन है, जल्दी 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 फास्ट, बस बस बस, तो आप लोग देख ही सकते हो ऐसे काफी सारे रिबन्स हमारे पास में। तो अब इसको जो है बांधते हैं हमारी पतंग पे। तो भाई यहां पर आप लोग देखो कि 3 हमने रिबन्स इसमें अटैच कर दिए हैं और ये कितना लंबा हो गया। और भाई साहब अभी ये देखो देखने में एकदम अलग सा दिख रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ जब ये ऊपर जाएगा तब ये कैसे लटकेंगी तीनों पूंछड़ी। और ये जो रिबन अभी इसमें लगा है ना, ये पूरा नहीं है, इससे लगभग 2 गुना रिबन हमारे पास में और रखा हुआ है, तो आप सोच ही सकते हो ये कितना बड़ा हो गया। तो अब इसमें धागा बांधते हैं। भाई हमारे इधर इसमें जो 2 धागे बांधते हैं ना पतंग में, उनको बोलते हैं डोसा डालना। अब मुझे नहीं पता आपके उधर क्या बोलते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, जो पतंग में यहाँ पर धागा बनता है ना, ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो अब फटाक इसमें धागा बांधते हैं। दूर दूर रखो सब, तीनों लोग एक इधर और एक इधर। ये ऑलरेडी भाई 100 फीट से ज्यादा तो हो चुकी हैं। तो भाई अब इसको टेस्ट करने की बारी है, तो इसमें थोड़ी दूर छुट्टी देना मैं चाह रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि ये नीचे नहीं उलझेगी, ज्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा और ले जा मोहित। और तीनों जो पूंछड़ी है आप लोग देखो कितनी बड़ी है यार, हमारे इधर इसको लोकल लैंग्वेज में पूंछड़ी बोलते हैं, बस मोहित काफी है। तो भाई आई होप कि सब अच्छे से जाए, ले और अरे यार ऊपर तो उठा रही है, ओहो यार पूंछड़ी में थोड़ा वेट ज्यादा हो गया, इस वजह से पतंग देखो नीचे आ रही है इनके वजन से, ओहो अरे यार। तो गाइज आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो पतंग है वो एक जगह रुक गई है, और उसको ये तीनों जो रस्सियां हैं, तीनों जो रिबन्स हैं, तीनों जो टेल्स हैं, उन्होंने रोक के रखा है, ओहो हो। और जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ा रहा हूँ ना पतंग की, तो ये ऊपर उठे जा रही है। अरे यार बहुत दम आ रहा है मेरे हाथ पे भी, तो भाई इसको तो ऊपर उठाना भी यार बहुत मुश्किल काम है। अभी ये लगभग जमीन से कोई 50 फीट ऊपर होगी पतंग, लेकिन आप लोग देखो यार क्या मस्त उड़ रही है, और अब ये ज्यादा ऊंची हो चुकी, पतंग बहुत बड़े साइज की है एक्चुअली में। और भाई थोड़ी सी दूरी बढ़ते ही मजा आ गया, और यार अगर ये पूरा हवा में उठ गया ना तो मजा आ जाएगा, ओहो अरे वाह देख रहे हो तुम लोग, ओ भाई मतलब पतंग है वहां पर 100 फीट से ऊपर और पूंछ नीचे टिक रही है, ओए ए थोड़ा सा और ए? थोड़ा सा ओ एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ओ भाई साहब जो सारी पूंछ है ना वो यहाँ, अरे और बांधो उस पे, और बांधो भाई, सब उठ गया हवा में, मतलब हमारी पतंग ने सारी पूंछ कहाँ उठा दी यार, और बांध यार मोहित जल्दी जा, ओए मैं उड़ा रहा हूँ दोबारा से भाई, और लंबा कर दिया हमने, और इस बार छुट्टी भी नहीं ली मैंने। अरे वाह यार बस हवा होनी चाहिए थोड़ी। तो भाई इस बार जो टेल है ना उसकी लंबाई डबल कर दी हमने, और इस बार तो वास्तव में मजा आएगा।
इस बार तो मेरे ख्याल से 250-300 फीट हो गई यार, और इस बार तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उठाने में। ओए पतंग नीचे जा रही है इसके वजन से शायद। खींच उसको। देखो पतंग वहां है और जो पूंछ है वो वहां है। और भाई अब जो है पतंग वो पूरी हवा में आ चुकी है और इसकी जो पूंछ है ना वो 250 फीट से भी ज्यादा लंबी है और वो भी पूरी हवा में आ चुकी है। मतलब कि और ये इतनी ज्यादा भारी हो चुकी है, इसके लिए हमने स्पेशल धागा मंगाया है। ये जो धागा है ना बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भाई ये जो पतंग है उड़ के आई है बहुत ज्यादा लंबी पूंछ के साथ में, और अब हमने इसको उतार लिया है। तो भाई साहब इसकी पूंछ देखो, एक बार इसको एक साथ इकट्ठा करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। और आप लोग देखो ये कहाँ से आ रही है भाई। ओहो, और इसका लास्ट एंड तो यार बहुत दूर है। इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, आप पूरा देखो ये कितना लंबा है। आजा यार आजा। तो यहाँ पर आकर के जो पूंछ है उसका आखिरी एंड खत्म हुआ है, और आप लोग देखो कि भाई साहब कितना सारा इसमें टेल्स हमने बांधा था। और यार ये जो है एक यूनिक सा ही एकदम डिफरेंट आइडिया था। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया, इस आइडिया के लिए एक लाइक जरूर से बनता भाई, प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।